पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर शहर की जनता को वीडियो संदेश के माध्यम से जागरूक किया। इंदौर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के चलते प्रशासन भी सख्त है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कोरोना महामारी में फेल हो चुकी है और जनता से अपील करते हुए कहा कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। इंदौर से राकेश सच्चे के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना को लेकर महामारी अद्भुत और अकल्पनीय लोगों को परेशान करने की ओर जारी है। बार बार देश की सरकार की या प्रदेश की सरकार को क्रिटिसाइज करना नकारात्मकता होगी। ये सब हम मानते हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसमें फेल हो चुकी है। मैं खासकर मेरे इंदौर शहर के साथियों से बात करना चाहता हूं, परिवारजन से। बार बार मेरे पास जो शिकायतें आती है कि एक तरफ की दुकानें चालू है, दूसरी दुकानें बंद है। सब्जी वाले और खिर्ची दुकान वालों का बार बार शिकायत आती है कि प्रशासन नगर निगम सख्ती कर रही है। मैं मानता हूं कि लॉकडाउन चाहे ना हो, पर उसके जैसे नियम हम सबको पालने चाहिए। इंदौर शहर की भयावह स्थिति 23,000 से ऊपर मध्य प्रदेश में आ गए हैं। इंदौर सबसे अव्वल है, रोज 100 से ऊपर वापस संक्रमित आने लगे हैं। अगर हम न जागे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम लोग इतने अपने आप को पश्चाताप में ले जाएंगे कि उसकी कोई कल्पना नहीं है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इंदौर शहर एक जागता हुआ शहर है। सरकारें क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अपनी जगह हम सबको मिलकर इस कोरोना को हराना है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। ये पब्लिक में कॉमन हो गया है, एक तरह से कम्युनल स्पीड हो गई है इसकी। तो मैं मानता हूं कि हम सबको जागना चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। रतन टाटा ने कहा है कि ये साल जीने का साल है, लाभ हानि का साल नहीं है। हम सबको जीना है और हमें जीने के ज्यादा हमारी भावी पीढ़ी को जीना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।